ग्रेट खली ब्रॉक लेसनर को हरा सकते हैं या फिर ब्रॉक लेसनर खली को हरा सकते हैं? अगर ग्रेट खली एंड ब्रॉक लेसनर की मैच होती तो कौन जीतेगा, यानी कि ग्रेट खली वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच कौन जीतेगा, कौन है तगड़ा? तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। मेरा नाम है रोशन और आप देख रहे हो रेसलिंग मसाला। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये नेक काम जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ब्रॉक लेसनर के बारे में बात कर लेते हैं। तो ब्रॉक लेसनर ऐसे एक प्रोफेशनल रेसलर और रिटायर्ड मार्शल आर्ट आर्टिस्ट और उसके अलावा फॉर्मल फुटबॉल प्लेयर भी है। लेकिन उसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं ब्रॉक लेसनर की हाइट की, तो वो है 6 फीट 3 इंच। अगर इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जाए तो वो है 191 सेंटीमीटर। और बात कर जाए उनके वजन की तो उनका वजन है 286 पाउंड्स। अगर इसे किलोज में कन्वर्ट किया जाए तो वो निकल कर आता है 130 किलो। लेकिन बात कर जाए ब्रॉक लेसनर ने अपना रेसलिंग जगत में डेब्यू कब किया था, तो उन्होंने किया था 2000 में। फ्रेंड्स अभी हम बात कर लेते हैं ब्रॉक लेसनर के करियर की। तो ब्रॉक लेसनर की फिनिशर है F5, जो कि उन्होंने कई सुपरस्टार को दर्शा किया है। तो ब्रॉक लेसनर के करियर में उन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया है। ब्रॉक लेसनर के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कि 25 साल की उम्र में उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियन बने थे, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, जो कि काफ़ी कम उम्र में WWE चैम्पियन बने थे। लेकिन बात करते हैं उनके अचीवमेंट की, तो वो है 5-time WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियन, उसके अलावा 3-time यूनिवर्सल चैम्पियन और किंग ऑफ द रिंग के विनर है 2002 के। उसके अलावा मनी इन द बैंक विनर भी रह चुके हैं 2019 का और रॉयल रंबल भी जीत चुके हैं 2003 का। और उसके अलावा स्लैमी अवार्ड के विनर भी रह चुके हैं 5 बार। उसके अलावा ब्रॉक लेसनर के करियर में एक और ऐसा शानदार मोमेंट था जिसने सब कुछ शॉक कर दिया था, तो वो था OMG शॉकिंग मोमेंट, जहां पर ब्रॉक लेसनर ने 2014 के रेसलमेनिया में अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़ी थी, और जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग मोमेंट था। ब्रॉक लेसनर इससे पहले रेसलर है जिन्होंने अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़ी थी, जो कि काफ़ी बड़ी थी। उसके अलावा ब्रॉक लेसनर ने जॉन सीना, मार्क हेनरी, रोमन रेंस, बिग शो, ट्रिपल एच, कर्ट एंगल समेत कई बड़े बड़े रेसलर को रिंग में धूल चटा चुके हैं। तो ये थे कुछ ब्रॉक लेसनर के अचीवमेंट जो कि उन्होंने WWE करियर में हासिल किए हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं द ग्रेट खली की। तो ग्रेट खली का असली नाम है दिलीप सिंह राणा और ग्रेट खली पेशे से एक रेसलर, एक्टर एंड मॉडल है और रेसलिंग प्रमोटर भी है। तो चलिए बात कर लेते हैं ग्रेट खली के हाइट एंड वेट की। तो ग्रेट खली की हाइट है 7 फीट 1 इंच, अगर इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जाए तो वो सामने निकल कर आता है 216 सेंटीमीटर। तो चलिए बात कर रहे थे उनके वजन की, तो उनका वजन है 347 पाउंड्स, अगर इसे किलोज में कन्वर्ट किया जाए तो वो सामने निकल कर आता है 157 किलोज। तो अभी हम बात कर लेते हैं ग्रेट खली के करियर की। तो ग्रेट खली के नाम ऐसा रिकॉर्ड है जो कि काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड है, वो है सबसे पहले इंडियन रेसलर जिन्होंने WWE चैम्पियनशिप जीती थी WWE में। उसके अलावा खली वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन भी रह चुके हैं 1 बार, और उसके अलावा वो स्लैमी अवार्ड विनर भी रह चुके हैं, जो कि उनको दिया गया था डैम किस ऑफ मोमेंट। उसके अलावा खली ऐसे पहले इंडियन रेसलर है जो कि WWE में गए हैं और उन्होंने इंडिया का नाम ऊंचा किया हुआ है। जब भी खली ने डेब्यू किया था तभी उन्होंने आते ही अंडरटेकर जैसे महान रेसलर को उन्होंने चित कर दिया था, यानी कि हरा दिया था। उसके अलावा उन्होंने मार्क हेनरी, बिग शो, केन, रैंडी ऑर्टन, शॉन मैकल्स, जॉन सीना और ट्रिपल एच जैसे बड़े सुपरस्टार को वो हरा चुके हैं। इसके अलावा और भी बड़े रेसलर्स के नाम लिस्ट में शामिल है, लेकिन ये थे कुछ ऐसे खली के अचीवमेंट जो कि उन्होंने WWE में हासिल किए हैं। तो फ्रेंड्स चलिए बात कर लेते हैं ग्रेट खली वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच कौन जीतेगा, कौन है तगड़ा। तो सबसे पहले हम ब्रॉक लेसनर के बारे में बात कर लेते हैं। तो ब्रॉक लेसनर भी काफ़ी खूंखार रेसलर है, जो कि उनकी फिनिशर है F5 काफ़ी डेंजरस है, उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े सुपरस्टार को हराया हुआ है। और दूसरी तरफ बात करें ग्रेट खली की, तो ग्रेट खली ने भी काफ़ी बड़े बड़े सुपरस्टार को हराया हुआ है, जैसे अंडरटेकर। ग्रेट खली ने भी काफ़ी कुछ अचीव किया है WWE से। लेकिन बात कर जाए इन दोनों में से कौन जीतेगा, तो मैं आपको बता दूं ब्रॉक लेसनर अपने जगह पे सही है और ग्रेट खली अपने जगह पे सही है। लेकिन आप चाहते हो इन दोनों में से कौन जीतेगा तो मुझे आप बता सकते हो, ऊपर आई बटन के ऊपर आप वोट भी कर सकते हो और नीचे कमेंट करके भी बता सकते हो कि इन दोनों में से कौन जीतेगा, ग्रेट खली वर्सेज ब्रॉक लेसनर के बीच कौन जीतेगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो बस आज की वीडियो से यही तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को नीचे लाइक के बना, तो कहीं मैं जाना साथ ही साथ कमेंट करके आप लोग हमें बताना कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे।
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नेक काम जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं और इंस्टाग्राम पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, बातचीत करेंगे। अब तक के लिए इतने, गुड बाय, टेक केयर।